Yes, good evening, students. Good evening, students. Yes, good evening, Sinjan, Kirti, Sheetal, Megha. Good evening to you all. Aap sabhi ko good evening. And welcome to the online classes of Adi Career Point. Adi Career Point ke online classes mein aap sabhi ka swagat hai. Yes, good evening, Sanjana. So I'm waiting for the students. After joining the student, then I'll start the class. तो सभी join कर ले, उसके बाद फिर मैं class start करती हूँ. तो आज के इस test में actually I'm going to conduct the mock test and there I'm going to discuss 10 very important MCQs which are very important and related with your CBSE examination 2021 and these are the very important suggestions. ओके तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है और इसी तरह के लेवल के क्वेश्चंस जो मैं आज डिस्कस करूंगी वे सारे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे. तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप जितना मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे अपने आप को जज करेंगे ओपनली तब जाकर ही आप जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे. ठीक है, तो इस टेस्ट में आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा. ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज्वाइन कर पाए. शेयर द लिंक इन द ग्रुप बाय विच एवरीबॉडी विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास. तो सभी ज्वाइन कर ले क्लास, ग्रुप में शेयर कर दीजिए. And those who joined the class, please like the session. जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, आप लाइक सेशन को लाइक कर दीजिए. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम में मैं अपने वीडियोज के लिंक प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो टाइम टू टाइम आपके लिए अवेलेबल हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. इसके अलावा दोज हु आर न्यू इन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब. जो न्यू है स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन, न्यू टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. Please share the session and by which everybody will be able to quickly join the class, ताकि सभी quickly class join कर ले. And in this class I'm going to discuss the 10 very important MCQs also with the test way. टेस्ट के थ्रू पे मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको क्वेश्चन रीड करने हैं, आंसर्स आपको मल्टीपल चॉइस बेसिस है, इन्हें आपको अपियर करना है. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसे आपको खुद ही अपियर करना है और जज करना है. एंड फॉर एवरी क्वेश्चन गिव 2 मार्क्स टू योरसेल्फ. और हर क्वेश्चन में आप अपने आप को 2 मार्क्स देंगे ताकि आपको पता चले कि 10-20 मार्क्स के इस टेस्ट में आपको कितना मिला है. 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. यस, गुड इवनिंग देव.
20 मार्क्स के इस टेस्ट में आपको कितना मिला है सेशन के एंड में आप बताइएगा, और साथ ही साथ आपके जो डाउट अगर वो जितने टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के दोनों ही बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और साथ ही साथ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस जो है इसमें है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इस टेस्ट को देना है। तो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज द पोल क्वेश्चन टुडे, आज का पोल क्वेश्चन मैंने इसे अपलोड किया था यूट्यूब में, तो ये पोल क्वेश्चन है। तो इस पोल क्वेश्चन से ही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप पहले इसका आंसर दीजिए। एंड इन दिस पोल क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द रीड द गिवन स्टेटमेंट, यू हैव टू रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लीडर, आपको लीडर के नेम को आइडेंटिफाई करना है दैट हु इज ही और शी, इनमें से लीडर कौन है, कौन से लीडर से रिलेटेड है। सो पुट एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लीडर ने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के प्रिंसिपल को एम्फेसिस किया। एंड एडवोकेट द ऑफिस ऑफ लोकपाल, तो आपके लिए ऑप्शंस है फोर, ऑप्शंस है चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड दीनदयाल उपाध्याय, आप आंसर दीजिए। ओके वेरी गुड, ओके क्विक आंसर दीजिए, 10 सेकेंड समझ लीजिए आप सभी के लिए है। ओके ओके वेरी गुड, रिप्लाई दीजिए, क्विक आंसर दीजिए। ओके सो नाउ द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। ओके ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर। तो दोज हु हैव चूजन ऑप्शन बी, जिन लोगों ने ऑप्शन बी जो चूज किया है एज द करेक्ट आंसर उनको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स। ओके और आइए आज इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने राम मनोहर लोहिया बोला है दे आर रॉन्ग, दे गॉट 0 मार्क्स। तो जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 की कंट्रीब्यूशन, देखिए जयप्रकाश नारायण दिस इज द न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस। ओके तो जयप्रकाश नारायण जी की ये न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस, अर्लियर इट वॉज ऑल्सो देयर बट नॉट इन डीप, उनकी आइडियोलॉजी को हम नहीं पढ़ते थे, केवल जस्ट ए लिटिल बिट जो इमरजेंसी वाले चैप्टर है केवल वहां पर आप जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब जो है न्यूली ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो भाई जयप्रकाश नारायण जो है उनका 3 की कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ही फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म गिवन बाय हु एंड चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है हु कॉल टोटल रेवोल्यूशन, तो ये भी होंगे जेपी, जब जयप्रकाश नारायण वॉज पॉपुलरली नोन एज जेपी एंड ही फाइट अगेंस्ट करप्शन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म उनका सिद्धांत था, और चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन बिफोर इमरजेंसी उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कॉल किया था, उनके जो जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर उस जजमेंट पर उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जो है वो रिजाइन दे। ठीक है तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। एंड जयप्रकाश नारायण वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आजादी के बाद पहले ऐसे लीडर थे हु अंडरटूक अ फाइट अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में लड़ाई की थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, इन्होंने जो स्पेशली बिहार और आपके गुजरात मूवमेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, बिहार में भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ द फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज, और उसके साथ साथ करप्शन जो हो रही थी इन सभी के अगेंस्ट में, एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड, बिहार यहाँ होगा, ही ऑल्सो एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन, और सबसे पहले इन्होंने ही जो है
ऑफिस किसका ऑफिस, लोकपाल। तो लोकपाल के अंडर में क्या है कि कितने सारे अगर कोई भी करप्शन एक्टिविटीज होती है तो उन पर कौन काम करेगा, लोकपाल काम करेंगे। तो लोकपाल के ऑफिस के लिए भी डिमांड जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। एंड हिज प्रिंसिपल कम्युनिटेरियन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एनकम्पासिंग थ्री की लेयर्स। तो उन्होंने जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो इस कम्युनिटेरियन सोशलिज्म वाले जो कंपोनेंट प्रिंसिपल है इसमें एक्चुअली है क्या, इट इज अबाउट व्हाट, ये किससे डील करती है। तो इट डील्स विद कम्युनिटी रीजन एंड राष्ट्र, ये बताती है अबाउट कम्युनिटी रीजन एंड राष्ट्र एंड ऑल कंबाइनिंग टूगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। जब तक हम कम्युनिटी को, यानी जो डिफरेंट कम्युनिटी हमारे इंडिया में है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, तो यहाँ पर सारे कम्युनिटीज को एक होने की जरूरत है, रीजन एंड राष्ट्र, तब जाकर जो है हम एक ट्रू फेडरेशन ला सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल को दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, ओके, इसी प्रिंसिपल को दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, ओके। दिस टॉपिक इज क्लियर, ये टॉपिक आप लोगों की क्लियर हो गई, बताइए इज इट क्लियर। तो ये था आपका कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, इज इट क्लियर टू यू ऑल, यस, हेलो चरणजीत। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आइडेंटिफाई द पर्सन हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू इंडो चाइना वॉर इन 1962। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 10 सेकेंड्स फॉर यू ऑल, 10 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। टेन सेकेंड्स फॉर यू ऑल, आंसर द क्वेश्चन। आंसर एवरीबडी, ओके, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, यस इट इज ऑप्शन सी। तो बताइए वी के मेनन जो है ये कौन थे, इन विच पोस्ट ही वाज एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर इन 1962, बताइए 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे वी के मेनन कौन से पोस्ट में थे। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, गिव टू मार्क्स योरसेल्फ, आप सभी अपने आप को टू मार्क्स दीजिए। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर आप प्लस वन बोनस दीजिएगा अपने आप को, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पर आप अपने आप को प्लस वन बोनस दीजिएगा, बोनस मार्क्स, ठीक है, ओके, वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन, तो आपके 20 के साथ प्लस बोनस में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वो जरूर आप एंड में बताइएगा, एंड में अपना स्कोर आप सभी शेयर कीजिएगा, ओके ओके, वेरी गुड कीर्ति, ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर, यस वेरी गुड। Okay, sorry for disturbance. Okay, question number 3 is there in the screen. Read the options yourself and answer the question.
वेरी गुड। आंसर देते रहिए। तो 1967 में ये कौन सा इलेक्शन था, विच जनरल इलेक्शन वाज दिस, ये भी बताइएगा, ये कौन सा जनरल इलेक्शन था, ये भी आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि ये कौन सी जनरल इलेक्शन थी 1967 में। ओके 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 वेरी गुड एवरीवन। सो योर 10 सेकेंड इज ऑलरेडी ओवर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द कांग्रेस वॉन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन इन मेनी स्टेट। कांग्रेस ने मैनेज किया कि वो लोकसभा इलेक्शंस को जीत पाए हो पाया, लेकिन असेंबली इलेक्शंस कई सारे स्टेट्स में वो हार चुकी थी। ठीक है, so this is actually the correct statement and other statements are wrong कि कांग्रेस lost both लोक सभा and assembly election। तो कांग्रेस ने लोक सभा और assembly election दोनों को lost नहीं किया था, बल्कि दोनों में से केवल लोकसभा election जीती थी और कई सारे states में assembly elections भी जीती थी। ठीक है, and कांग्रेस lost majority in the लोकसभा but formed a coalition government, तो ये भी गलत है। and कांग्रेस retained power एट द सेंटर विद एन इंक्रीज मेजोरिटी, ये तो पूरी तरह से ही गलत है। तो आप सभी को मिलता है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है उन्हें मिलते हैं +2। आप अपने आप को +2 जरूर दीजिएगा। एंड 1967 दैट वॉज द फोर्थ जनरल इलेक्शन, फॉर दिस ऑल ऑफ यू गॉट +1, दैट इज द बोनस मार्क। ओके, 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है एंड दिस फोर्थ जनरल इलेक्शन, अ फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब होता है बताइए, व्हेन डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, बताइए कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। व्हेन डिड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड बताइए, ओके यस वेरी गुड, अगेन +1। नाउ टेल मी, क्या फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में होने वाली थी? टेल मी फॉर हाउ मेनी टाइम दिस फर्स्ट जनरल इलेक्शन पोस्टपोन, बताइए कितने बार ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब होना था तब ये पोस्टपोन हुआ, बताइए। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कीर्ति, शीतल, पम्मी, सिंजन, आदित्य गेमिंग, वेरी गुड टू यू ऑल। दैट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन दैट इट वॉज पोस्टपोन ट्वाइस, है ना, ये 2 times पोस्टपोन हुआ। पहले ये हो जाना था 1951 तक, लेकिन नहीं हो पाया। और मोस्ट पार्ट 1951 से स्टार्ट होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 70% वोटिंग जो है वो 1952 में होती है, और इसलिए इसे 1952 में को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन के रूप में। ओके, तो द रिजल्ट, अब इसके रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस। तो 1967 के इलेक्शन के रिजल्ट जो है 1967 फर्स्ट जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट है, द
दैट जॉल्टेड द कांग्रेस, जिसने कांग्रेस को जॉल्ट किया इन बोथ द लेवल, दैट इज एट द नेशनल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल. एंड मेनी कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इस 1967 के जनरल इलेक्शन को क्या कहा, इट वॉज कॉल्ड एज के रिजल्ट को कहा पॉलिटिकल अर्थक्वेक. 1967 जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया. एंड द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा. कांग्रेस ने किसी भी तरह से मेजोरिटी तो गेन कर लिया था लोकसभा में, बट इट द लोवेस्ट टैली ऑफ सीट एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952. एंड हाफ द मिनिस्टर्स, तो इंदिरा गांधी के कैबिनेट के हाफ द मिनिस्टर्स थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इवन, दे ऑल वर डिफीटेड. And the political stalwart who lost in their constituencies include. तो वो सारे important leaders, question ये भी पूछा जा सकता है, name some of the important cabinet ministers of Indira Gandhi, those who lost 1967 election. तो ऐसे leaders में कौन कौन आते हैं, आपके के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष एंड के बी सहाय. तो इन नामों को आपको याद रखना है कि विच मिनिस्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट lost 1967 elections, okay? इन नामों को भी आपको याद रखना है. इस पर भी आपके MCQ questions बनेंगे, इस पर भी आपके MCQ questions हो सकते हैं. तो इन सारे questions को आप याद कर लीजिएगा, okay? Now question number 4. Select the correct option for the alliance and the organization it was formalized into. And the four options given in the screen, read yourself. What is the correct answer? Okay. Kirti confused hai kya? B and she. Are you confused, Kirti? Okay, student, keep reply. Keep answering the question. Aap answer dijiye. Okay. Okay. Now let's check the correct answer. Correct answer is what? Select the correct option for the alliance and the organization it was formalized into. Correct option is option A. Okay? Correct option is what? That is option A. Sorry. Yeah, aapka Eastern Alliance hoga. Okay? The Eastern Alliance, jo hai, Eastern Alliance was formalized into UNO. So, bhai, ye to galat hai. Eastern Alliance to UNO mein formalized nahi hui thi. Eastern Alliance kya tha? Eastern Alliance was Warsaw Pact. Sorry, confusion हो गया बिल्कुल. हाँ, so the correct option is option B. That is the Western Alliance was formalized into NATO. इसमें आपको correct option choose करना था. Sorry, the correct option is option B. That is the Western Alliance was formalized into NATO. This is the correct answer. And the Eastern Alliance, it was formalized into what? It was formalized into Warsaw Pact. Okay? It was formalized into Warsaw Pact. Yes, very good, Kirti. Now, question number 5. Which one of the following was not a part of the early phase of India's development policy? Bataiye. Which one of the following was not a part of the early phase of India's development policy? Which one of the following was not a part of the early phase of India's development policy? Okay, very good.
यस कीप आंसरिंग. ओके सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. यस दोज हू हैव गिवन द आंसर ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज प्राइवेटाइजेशन. स्टूडेंट प्लीज शेयर द वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप बाय विच अदर स्टूडेंट विल बी एबल टू जॉइन द क्लास. ओके नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी. So privatization was not the part of early phase of India's development policy. Then what was? Bataiye. Then what was the part of? What was the part of early phase of planning? Bataiye. Kya part thi early phase of planning ko hum kis naam se jante hain? Bataiye. Keep answering students. बताइए हम किस नाम से जानते हैं अर्ली फेज ऑफ प्लानिंग. ओके ओके सो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी है ना. ना ही इंडिया ने कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया था एंड मेगा दैट इज एग्रेरियन सेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एग्रेरियन सेक्टर इज समथिंग डिफरेंट ना. हमने यहाँ पर एग्रेरियन सेक्टर तो पूरे आपके इकोनॉमी का पार्ट होगी उसके अंदर आएगा. यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके डेवलपमेंटल पॉलिसीज में प्राइवेटाइजेशन तो पूरी तरह से पार्ट नहीं थी ना. हमने ना ही कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया और ना ही हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया. अगर यहाँ प्राइवेटाइजेशन के बदले अगर बोलते कि स्टेट कंट्रोल सिस्टम अगर बोलते तो भी ये गलत होता क्योंकि हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था. मिक्स वे ऑफ डेवलपमेंट को चूज किया था जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी किया हमने और पब्लिक सेक्टर को भी सपोर्ट किया था. दोनों को मिलाकर काम करना था ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडियन यूनियन. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इनमें से कौन से लीडर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद द यूनियन इंडियन यूनियन. बताइए ऑप्शंस आर गिवन. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ यू नोज दैट पर्टिकुलर आंसर. ओके ओके सो योर 10 सेकेंड इज ओवर. नाउ चेक द आंसर. करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके करेक्ट आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु डिफीटेड द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969 हु वाज ही. बताइए द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु डिफीटेड द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969. बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर. टेन सेकेंड्स है आप आंसर दीजिए. ओके नाउ वन बोनस मार्क क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ओके ड्यूरिंग दिस 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मोरारजी देसाई वॉज ऑन विच पोस्ट. मोरारजी देसाई कौन से पोस्ट में थे वो कौन से मिनिस्टर थे. ही वॉज
बट मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर थे बताइए? ये आपका प्लस वन बोनस मार्क क्वेश्चन है, ताकि आपको इसके भी अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट आंसरिंग कीजिए फटाफट, क्विक रिस्पॉन्स दीजिए। ओके यस वेरी गुड, ही वाज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। ओके एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज बी वी गिरी, बी वी गिरी। ओके नाउ प्लस वन मार्क्स क्वेश्चन एक्स्ट्रा, फुल नेम ऑफ बी वी गिरी बताइए, बी वी गिरी जी का पूरा नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1969 आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, उनके डेथ के बाद में बी वी गिरी जो है वो उन्होंने जो है इस प्रेसिडेंट के पोस्ट को जीता था, इलेक्शन को जीता था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को उन्होंने जीता था, और उनके इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता था। उनका पूरा नाम क्या है, व्हाट इज हिज फुल नेम बताइए, व्हाट इज हिज फुल नेम? बीवी गिरी जी का पूरा नाम क्या है? क्विक रिप्लाई एवरीवन, ओके 10 सेकेंड इज ओवर, तो आप लोगों को नहीं पता है। तो ये है हमारे वी वी गिरी साहब, वरहगिरी वेंकटागिरी, इनका पूरा नाम है वरहगिरी वेंकटागिरी। ओके एंड ही वाज द मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974, एंड व्हेन बिफोर विनिंग दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही वाज व्हाट, वो कौन से पोस्ट में थे बताइए, वो कौन से पोस्ट में थे बिफोर विनिंग दिस इलेक्शन, ही वाज इन विच पोस्ट, प्रेसिडेंशियल बनने के आगे वो कौन से मिनिस्टर थे या कौन से पोस्ट में थे बताइए, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट वो कौन से पोस्ट में थे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिटवीन विच टाइम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज बिटवीन 1967 टू 1969, 1967 से 1969 तक वे वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद फिर वे प्रेसिडेंट बनते हैं, और किसके अगेंस्ट में उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता था आप उसका नाम बताइए, उनका नाम बताइए। और ये कांग्रेस वर्कर थे एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो भाई इनके स्टेट को भी आपको याद रखना है, आपको स्टेट भी याद रखना है क्योंकि स्टेट पूछा जाता है एग्जाम में, तो ही बिलोंग्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है? वे कहाँ से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो इस नाम को भी आपको उनके स्टेट का नाम भी याद रखना है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, एंड बिफोर और इसके पहले उन्होंने एज ए गवर्नर भी सर्व किया है, इसके पहले उन्होंने गवर्नर के रूप में भी सर्व किया है ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, प्रेजेंट डे कर्नाटका, मैसूर स्टेट थे उस समय, तो मैसूर यानी कि यूपी केरला, यहाँ ये गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट, एंड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो वाइस प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन सडन अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है? तो इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई एंड रिजाइन एंड कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉट फ्रॉम दी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में होते हुए कांग्रेस पार्टी के रिजाइन भी कर दिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, एंड कीर्ति एंड
सीकर हैज गिवन द करेक्ट आंसर एन संजीवा रेड्डी. एन संजीवा रेड्डी जो है वो एन संजीवा रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बी वी गिरी जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं थे. इन्हें किनका सपोर्ट मिलता है? इन्हें इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट मिलता है. इन्हें इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट मिलता है और उनके सपोर्ट से ये इलेक्शन वॉन करते हैं. और दूसरी तरफ एन संजीवा रेड्डी जो है वे किसके तरफ से थे? ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के. और ये स्पेशली ऑफिशियल कैंडिडेट जो कि जो कांग्रेस पार्टी के उन सारे लोगों ने इन्हें अपॉइंट नॉमिनेशन करने के लिए कहा था जो कि सिंडिकेट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि कांग्रेस सिंडिकेट ग्रुप से बिलोंग करते थे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एन संजीवा रेड्डी वाज लॉन्ग टाइम अपोनेंट ऑफ इंदिरा गांधी. ठीक है, लॉन्ग टाइम अपोनेंट थे इंदिरा गांधी जी के उस टाइम पर. क्लियर हो गया ये एन संजीवा रेड्डी जी से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए. और वीवी गिरी का इस 1969 के इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन. तो भाई इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और इन सारे पॉइंट्स को आप स्टडी कीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, बताइए. देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन टू यू ऑल एंड 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ. टेन सेकेंड आपका स्टार्ट हो चुका है, आंसर कीजिए. ओके, याद रखिए आपको क्वेश्चन में नॉट अ कॉन्सिक्वेंस पूछा गया है. ठीक है, ओके, वेरी गुड. ओके, कीप आंसरिंग एवरीवन, आंसर देते रहिए सभी कोई. कीप आंसरिंग एवरीवन. Okay, let's check the correct answer. Correct answer is B. That is what? Russia. B is the correct answer. That is what? Russia. Okay, B is the correct answer. That is what? That is Russia. Okay, so Russia emerged as a new superpower. This is the correct statement. Okay, this is the correct statement that Russia emerged as a new superpower. तो ये एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट दिस इज एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ द डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. ओके, तो ये है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है. क्या रशिया सुपर पावर बनती है? बताइए, रशिया क्या सुपर पावर बनती है आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? देन नो भाई, रशिया यूएसएसआर के डिस इंटीग्रेशन के बाद सुपर पावर नहीं बनती है. ठीक है, तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में स्पेशली जो है, एक बार डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस को आप जरूर से याद कर लीजिए. तो सबसे पहले क्या है कि ये जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था, कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन जो है वो आपका खत्म हो जाता है. कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन एंड हो जाती है. अब यूएस एंड यूएसएसआर में से दोनों में से कौन सुपर पावर है, अब ये इशू ही नहीं रह गया. And now US alone become the powerful.
यूएस अलोन बिकम द पावरफुल, है ना, यूएस अकेले ही पावरफुल रह गया और इसका अपोनेंट जो है, अपोनेंट जो कॉम्पिटिटर था यूएसएसआर, तो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यानी ये जो पावर रिलेशंस जो था पूरे वर्ल्ड पे, ये पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड नाउ द न्यू सिस्टम अराइज दैट इज यूनिपोलैरिटी। अब एक नया सिस्टम आता है जिसे कहते हैं यूनिपोलैरिटी, मीन्स सिंगल डोमिनेंट पावर सिस्टम। यस और नो, यूनिपोलैरिटी मीन्स व्हाट? दैट इज सिंगल डोमिनेंट पावर सिस्टम, है ना, एंड इन दिस सिस्टम वन पर्टिकुलर कंट्री अलोन बिकम द पावरफुल। बट देर आर अनदर चांसेस ऑल्सो विद दिस डिसइंटीग्रेशन। तो इस डिसइंटीग्रेशन के साथ और एक ऑप्शन निकल कर आता है भाई, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर सिस्टम भी हो सकती थी, ये भी ऑप्शन निकल कर आता है। ठीक है, सिंगल डोमिनेंट पावर सिस्टम के रूप में यूएसएसआर तो रह गई, और लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम के भी ऑप्शंस थे, अगर बाकी दूसरे कंट्रीज एक साथ यूनाइटेड हो जाए, और या फिर अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड हो सकती थी और वो पावरफुल बनकर सामने आ सकती थी। तो मल्टीपोलर सिस्टम के भी ऑप्शंस थे। और इसका एक और जो कॉन्सिक्वेंस है, रशिया जो है इट बिकम द सक्सेसर, रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, कहां पर? इन द यूएन, इन द यूएन, यूएन में रशिया जो है वो किसका सक्सेसर बनती है? रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ द यूएन। एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ दिस पीरियड इज दैट ये जो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इन लोगों का जो रोल प्ले जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होने लग गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन सारे कंट्रीज ने हेल्प प्रोवाइड किया, फिर इन सारे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने फिनेंशियल एड प्रोवाइड किया। किन्हें प्रोवाइड किया? जो पोस्ट रशियन कंट्रीज थे, पोस्ट सोवियत कंट्रीज, ठीक है, पोस्ट सोवियत कंट्रीज के फिर से अपने ट्रैक पर आने के लिए लोन किसने प्रोवाइड किया? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, इट लेड टू शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी की वजह से इस पर्टिकुलर लोन और इस ट्रांजिशन कैपिटलिस्ट सिस्टम से, जब सोशलिस्ट सिस्टम से लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ में जब मूव करते हैं, तो शॉक थेरेपी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज फेस करते हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे जो बाल्टिक रिपब्लिक्स और इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, दे बिकम द पार्ट ऑफ नाटो, ये भी कंसिक्वेंस है ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ओके, तो आप इस टॉपिक को एक बार अपने बुक से दोबारा रीड कीजिएगा ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइनीज इन्वेशन ऑफ 1962 एंड चूज द करेक्ट वंस। ओके, there are three statements and among them you have to choose the correct statements. Okay, what is the correct statement? Ek bar bataiye. ओके,
ओके सो नाउ चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3. दैट इज 2 and 3. व्हाट कंसीडर द फॉलोइंग चाइनीज इन्वेशन ऑफ 1962. तो इसमें क्या होता है, द वॉर लेड टू फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट ऑल्सो कॉज्ड अ स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ CPIM. तो स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट होता है एंड इट इज डिवाइडेड इन टू CPI. ये डिवाइड होती है आपकी CPI एंड CPIM, ठीक है. और द सोवियत यूनियन डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट वाज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज नो, दिस इज नो. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. सोवियत यूनियन कौन से पोजीशन पर थे, क्या इसने इंडिया को सपोर्ट किया था या चाइना को सपोर्ट किया था, बताइए. द सोवियत यूनियन डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट वाज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. इज इट करेक्ट? इट इज नॉट करेक्ट. बट देन व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए. द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर बोनस मार्क. द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर बोनस मार्क. द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर बोनस मार्क्स, बताइए. ओके The question is related with Soviet Union. Try to understand the question. I am asking the question which is related with Soviet Union. But most of you are answering about USS position. USS stand up. But I am not asking about USS stand up. I am asking what was the stand up of the Soviet Union. So the correct statement is only firstly given by Sheetal Sharma, that is neutral. He was not in support of China. एंड नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया. ना ही वो चाइना के सपोर्ट में थे और ना ही वो इंडिया के सपोर्ट में थे. क्वेश्चन में बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. व्हाट दे आर, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, आपको उसका आंसर देना. आप पजल्ड मत होइए. आपको पूछा जा रहा है सोवियत यूनियन एंड यू ऑल आर आंसरिंग अबाउट USA. तो आपको तो एग्जामिनर जीरो देगा, क्योंकि आपको तो वहां पर मल्टीपल चॉइस के अलावा भी आपको सब्जेक्टिव आंसर भी तो देने हैं. तो आपको सब्जेक्टिव में जब अगर आपको पूछ रहे सोवियत यूनियन और आप USA के स्टैंड पॉइंट को लिखेंगे तो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है. तो दैट्स व्हाई ओनली शीतल शर्मा हैज गिवन द करेक्ट आंसर फर्स्टली दैट इट वाज न्यूट्रल. तो एक बार देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडो चाइना वार. सो चाइना वार डेंटेड इंडिया इमेज एट होम एंड एब्रॉड. तो चाइना वार ने इंडिया का इमेज जो है होम एंड एब्रॉड यानी हमारे घर पे, हमारे देश में और विदेशों में भी भारत की इमेज डाउन होती है, क्योंकि इंडिया चाइना का सामना करती है लेकिन हमारी मिलिट्री पूरी तरह से रेडी नहीं रहती है. उस समय सडन अटैक होता है चाइना के तरफ से एंड इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस एंड द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. और सोवियत यूनियन इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर पूरी तरह से न्यूट्रल थी एंड इट इंड्यूस अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन. और इससे नेशनल ह्यूमिलिएशन होता है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन अ स्पिरिट ऑफ नेशनल. एक तरफ हमारे देश का सम्मान डाउन होता है तो दूसरी तरफ हमारे देश के लोगों को हार के बाद एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि भाई हमारे देश को हमें बचाना है, हमारे देश में आने वाले टाइम पर ऐसा किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे, हम इस मुश्किल का सामना करेंगे. एंड सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स आइदर रिजाइन और वर रिटायर्ड. और बहुत सारे आर्मी कमांडर्स जो टॉप में थे उन्होंने तो या तो रिजाइन दे दिया या तो वे रिटायर हो गए. और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पूछा था, डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्ण मेनन, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया एंड हैड टू लीव द कैबिनेट. एंड नेहरूज ओन स्टैचर सफर्ड एज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज फॉर हिज नेव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशन. तो चाइना को लेकर उनका जो असेसमेंट था, उन्हें बार बार ये समझाया जा रहा था कि भाई जो
चाइना है वो हम पर अटैक कर सकते हैं, चाइना के मंसूबे क्लियर नहीं हो रहे, चाइना कंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेहरू जी ने भी शायद ही कभी सोचा होगा कि जिसे उनकी दोस्ती है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, लेकिन वही चाइना धोखा देगी और हमारे देश की जो मिलिट्री उस समय प्रिपेयर नहीं थी उतनी ऊंचाई पे जाकर लड़ने के लिए, और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वॉज मूव। पहली बार इस कैरेक्टर के पीछे जो जिस पर पूरी सरकार टिकी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जो फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन में डोमिनेंस था, ये धीरे धीरे डाउन होने लगा। और इस 1962 के इंडो चाइना वार से ही पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया था। और इसके इसी समय बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उन बाई इलेक्शंस में कांग्रेस ने हार का सामना किया। केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन ही नहीं पास हुआ, नो को सॉरी मूव किया गया पार्लियामेंट में, बल्कि कांग्रेस ने बाय इलेक्शंस को भी हार गए एंड द पॉलिटिकल मूव ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। क्लियर हो गया ये? एंड द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। क्लियर इज इट टू यू ऑल? बताइए ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए? Now the next question, and this is the last question of this session. Hegemony is also about the capacity to manufacture consent. Hegemony किससे relate करती है? Is also about the capacity to manufacture consent. बताइए इसके correct statement आपको judge करना है. What is the correct statement? टेन सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आंसर दीजिए। कीप आंसरिंग एवरीवन, आप सभी बच्चे आंसर दीजिए, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके, 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 लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वन एंड टू ओनली। यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। So now tell me, plus one bonus point. Hegemony is also about the capacity to manufacture consent. This is what type of hegemony? बताइए ये कौन सी hegemony है? ये कौन सी hegemony है? The capacity to manufacture consent is deals with what type of hegemony? बताइए the capacity to मैन्युफैक्चर कंसेंट इज डील्स विद व्हाट टाइप ऑफ हेजिमनी? बताइए ये कौन से हेजिमनी से डील करती है? बताइए स्टूडेंट, द फर्स्ट एंड मोस्ट इट इज नॉट डील्स विद स्ट्रक्चरल, इट इज डील्स विद सॉफ्ट। हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेजिमनी, थ्री टाइप्स है हेजिमनी के, है ना, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था, थ्री टाइप्स ऑफ हेजिमनी। नंबर वन इज व्हाट? हेजिमनी एज हार्ड पावर, हेजिमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, एंड हेजिमनी एज व्हाट?
हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर, हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर. तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट इज डील्स विद सॉफ्ट पावर नॉट विद द स्ट्रक्चरल पावर बिकॉज स्ट्रक्चरल पावर हेजिमनी एज स्ट्रक्चरल पावर डील्स विद इकोनॉमी. ये इकोनॉमिक पावर से डील करती है एंड हार्ड पावर डील्स विद मिलिटरी एंड हार्ड पावर डील्स विद मिलिटरी पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर डील्स विद इकोनॉमी एंड सॉफ्ट पावर इज डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट. एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट मतलब आपके सोच को हेजिमनिक पावर बनाएगी. आप क्या सोच रहे हैं वो हेजिमनी डिसाइड करेगा ना कि आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. अगर कुछ हेजिमनी को अच्छा लगता है तो वो आपको अच्छा लगेगा, अगर हेजिमनी के हिसाब से वो खराब है तो वो आपके अकॉर्डिंग भी खराब होगा. ठीक है, तो आपके माइंड पे ये आएगा कि आपके कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, सोशल सिस्टम वो अच्छा नहीं है. ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर किसी और का दबदबा होगा, किसी और का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा. एंड हेजिमनी अराइजेस व्हेन द डोमिनेंट क्लास और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ द डोमिनेटेड क्लासेस. ठीक है, और ये कब अराइज होती है, जब एक डोमिनेंट क्लास डोमिनेटेड क्लासेस के कंसेंट को उसके सोच पर जीत हासिल कर लेती है. तो जैसे हम हमेशा ये सोचते हैं कि यूएस में जो भी चीजें बनती है, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसके कोई भी प्रोडक्ट हो, वो बेस्ट होंगे, वो एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगे, उस पर कोई कंफ्यूजन किसी का नहीं हो सकता है. लेकिन वही अगर हम अपने कंट्री के प्रोडक्ट को उसके साथ कंपेयर करें तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इंडिया में तो कुछ भी अच्छा नहीं है. ये नेगेटिव फीलिंग इस यूएस का दिया हुआ है कि हमारे देश में अगर कुछ अच्छा भी है, हमारा कल्चर जो अच्छा है, हम इसे भूल जाते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर के तरफ, डोमिनेट कल्चर की तरफ चले जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम सोचना शुरू करते हैं कि नहीं भाई, वो जो कर रहे हैं ना वही अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है. हमारे कल्चर के तरफ में हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, हमारे ट्रेडिशन के तरफ में, हमारे पास चाहे एजुकेशन सिस्टम में हम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर कोई यूएस से आकर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको लगेगा नहीं, वहां वाले लोग ही सही बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं. तो ये सोच जब किसी के ऊपर हावी होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सोच को हमने बना दिया, यानी कि यूएस ने आपकी सोच को बना दिया अपने जैसा, ना कि आपने इंडिपेंडेंटली सोचा, अपने वे में सोचा कि भाई हम कंपेयर करें कि हमारे में क्या अच्छा है. हमने वो नहीं सोचा, हमारे अच्छी चीजें भी हमें खराब लगने लगती, क्योंकि हम किससे प्रभावित होते हैं, हम जो है प्रभावित होते हैं आपके हेजिमनिक पावर से, डोमिनेंट क्लास से हम पावर जो है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका जो बोल रहा है वो सही है. और इस तरह की जब हमारी कंसेंट को कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी और के सोच से हम चलते हैं, तब ऐसी हेजिमनी को हम कहते हैं हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर. क्लियर टू यू ऑल, दिस टाइप ऑफ हेजिमनी इज कॉल्ड हेजिमनी एज सॉफ्ट पावर. क्लियर टू यू ऑल, बताइए. तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास. तो आप अपने मार्क्स जरूर बताइए, आपके मार्क्स कितने आए हैं जरूर शेयर कीजिए. 20 प्लस बोनस मार्क्स के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने बोनस मार्क्स आपको मिले हैं आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए. एंड इस तरह के दूसरे क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ हम फिर जल्दी नई क्लास लेकर आएंगे. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और सभी अच्छे से रहिए और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्रॉपरली स्टडी कीजिए, टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड कीजिए. ठीक है, और मार्क्स अपने जरूर से शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे जरूर मुझे मेंशन कीजिए, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके बता सकते हैं आपके क्या डाउट्स है. ओके, तो मार्क्स जरूर शेयर कीजिए भाई, आप लोगों को कितना मिला. ओके, 18 आउट ऑफ 20 एंड 5 बोनस पॉइंट, वेरी गुड. ओके, मेघा गॉट 3 बोनस मार्क्स. ओके ओके ओके, कांग्रेचुलेशन आप सभी को. ओके शीतल, 18 आउट ऑफ 20, वेरी गुड. तो स्टडी हार्ड, तो जितने डाउट थे हेजिमनी एज हार्ड पावर, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें पता हो तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं. So thanks for watching this video and don't forget to share the link with your friends and don't forget to like, share and subscribe this channel. And thanks for joining
माई लाइव क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।